साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको तंत्र शास्त्र की एक बहुत ही अचूक वशीकरण विधि आपको दे रहा हूँ। ये विधि बहुत ही पावरफुल है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिन पर ये मैंने रेमेडी टेस्ट की है और रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि किसी भी वशीकरण विधि करते हैं तो एकदम हैप्पी मूड में करें और पॉजिटिव होकर के विश्वास से करें। मिराकल हो गए, चमत्कार हो गए, ये कहीं बाहर से नहीं होते हैं, ये आपका विश्वास ही करता है। अगर आप डाउट क्रिएट कर देते हैं तो ये चीज़ वर्क करना बंद कर देती है। देखिए विधि जो करते हैं ये एक दैविक शक्तियाँ हैं, अगर आप इनको इम्पोर्टेंस देंगे, विश्वास करेंगे तो ही आपको रिजल्ट देंगे। अगर आप डाउट क्रिएट करेंगे तो ये आपको रिजल्ट नहीं देंगे। आप जिसको जितनी इम्पोर्टेंस देंगे उतनी रिटर्न में आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी। तो पूरे विश्वास से कोई भी विधि किया करें, ये मत सोचा करें कि नहीं करेंगे तो मिलता है कि नहीं। मेरा काम है शास्त्र सम्मत जानकारी आप लोगों तक प्रसारित करना। सही विधि से करना ना करना ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो आज की जो विधि बता रहा हूँ इसमें आपको देखिए बहुत ही चमत्कारिक विधि है, तो आपको पूरे विश्वास से एक बार इस रेमेडी को ट्राई करके देखिएगा, रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगर आपके पास में जिस व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं तो उसकी फोटो अगर है तो फोटो से कर सकते हैं, नहीं तो नाम से भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई भी वशीकरण विधि करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रूल्स ये है कि जिस व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं उसका पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना जरूरी है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। अगर किसी व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं और उसके ऊपर पहले से कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है, तांत्रिक क्रिया उसके ऊपर की गई है, ब्लैक मैजिक है, या पहले से उसका वशीकरण है, तो नॉर्मल विधि से आप उसका वशीकरण नहीं कर सकते। और यदि आप लोगों ने काफ़ी विधियाँ ट्राई कर ली, रिजल्ट नहीं आ रहा है, और ऐसी कंडीशन में यदि आप लोग मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा शावर मंत्रों से बहुत ही अचूक विधि की जाती है जो कि 7 डेज में ही रिजल्ट दिखाती है। क्योंकि शावर मंत्र जो होते हैं बहुत ही दुर्लभ होते हैं, हमारे पास में जो शावर मंत्र हैं नाथ गुरु नाथ पंथियों द्वारा पूर्ण शावर मंत्र प्राप्त हैं। तो किसी भी प्रकार की हेल्प मुझसे चाहते हैं, ये विधि करवाना चाहते हैं, तो आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी। आप हमें कॉल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज की जो रेमेडी बता रहा हूँ, किसी भी बुधवार के दिन में, किसी भी शनिवार के दिन में, अमावस्या के दिन में या फिर पूर्णिमा के दिन में इस विधि को आप कर सकते हैं एकदम गुप्त तरीके से। किसी की रोक टोक इसमें नहीं होनी चाहिए। इसमें जरूरत पड़ेगी आपको करवा। करवा जो होते हैं छोटे छोटे से जो मिट्टी के घड़े आते हैं, जब आपने देखा होगा करवा चौथ में जो करवा यूज किए जाते हैं, है ना, तो वैसे आपको दिया सहित जो ढक्कन उसका रहता है, तो वैसे 4 आपको करवे आपको लेना है। 4 करवा आप लेकर के आ जाएं, उसको शुद्ध जल से पहले साफ कर लें। उसके बाद में 4 आपको लेने हैं नींबू, ठीक है। नींबू जो होंगे आपको लेने हैं फ्रेश येलो कलर के, और 1 ले लेना है आपको ब्लैक कलर का मार्कर, और 1 लेना है बिना लाइनिंग, 4 लेने हैं आपको बिना लाइनिंग वाले कागज। अगर प्रयोग बुधवार के लिए, बुधवार को कर रहे हैं तो आप सूर्य अस्त से पहले इस प्रयोग आपको कर लेना है। शनि अमावस्या को कर रहे हैं तो रात में 11 से 1 के बीच में करेंगे। शनिवार को कर रहे हैं तो 11 से 1 के बीच में करेंगे। पूर्णिमा के दिन में कर रहे हैं तो सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में इस प्रयोग को आपको कर लेना है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, जो न्यू विजिटर्स मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूँगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप लोग यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालाइज कराना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बर्थ चार्ट के हिसाब से समस्याओं का समाधान चाहते हैं, कर्ज की समस्या, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शादी विवाह में, कैरियर में, स्टडी में दिक्कत आ रही है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, पति पत्नी में बहुत अनबन है, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोग के साथ में प्रॉब्लम आती है, उनका बर्थ चार्ट नहीं होता है, कन्फर्म नहीं होता है, तो करंट फोटो से फेस रीडिंग या पाम रीडिंग भी आप ले सकते हैं। फेस रीडिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी समस्या है उसका सटीक समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 करवे आपने ले लिए, 4 नींबू आपने ले लिए। अब चारों नींबू पे आपने क्या करना है, एक मंत्र आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे चारों नींबुओं में, उसके बाद में मंत्र रहेगा ओम क्राम क्रीम क्रोम, ठीक है। ये मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है,
चारों नंबरों में पहले नाम लिखेंगे, फिर मंत्र लिख देंगे, ओम क्राम क्रीम क्रोम, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, नमक आपको लेना है, नमक आपको इतना लेना है, जब नींबू आप चार सब अब आपने क्या किया, चारों नींबू में नाम लिख दिया, ठीक है। अब एक प्लेन कागज लेना है और प्लेन कागज में भी यही मंत्र आपको लिख करके नीचे उस व्यक्ति का नाम लिख देना है, ओम क्राम क्रीम क्रोम, और नीचे लिख देंगे उस व्यक्ति का नाम। तो चारों कर्मों में आप क्या करेंगे, ये कागज पहले डाल देंगे, फिर उसके ऊपर नींबू डाल देंगे, अब लेना है आपको नमक, नमक आपको इतना ऐड कर देना है चारों कर्मों में कि नींबू जो है पूरा ढक जाए, ठीक है। पहले आपने क्या किया, सबसे पहले नींबू में नाम लिखा, फिर पूरे कागज में मंत्र और नाम लिखा, और हम सब चीजों को अपने कर्वे में डाल दिया। अब उसके बाद में चारों कर्मों को आपको ब्लैक कपड़ा लेना है या ब्लैक कागज लेना है, ब्लैक कपड़ा लेंगे ज्यादा बेस्ट है, ब्लैक कपड़े से चारों कर्मों को आपको काले धागे से उसका मुंह बंद कर देना है, सभी कर्मों के, चारों कर्मों के, ठीक है। कर्वे ज्यादा बड़े भी नहीं लेंगे, छोटे छोटे भी लेंगे तो चल जाएगा, बस नींबू उसमें आ जाए और नमक उसमें ऐड हो जाए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कोई भी आपको देख लेना है सुनसान जगह, अगर जिनके पास में सुनसान जगह नहीं है तो दो ऑप्शन है आपके पास में, एक तो इसको आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं, दूसरा आप इसको जमीन में दबा सकते हैं। बहते हुए जल में प्रवाहित करेंगे तो इसमें थोड़ा सा ये है कि इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर जमीन में इसको दबा देंगे तो इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, जैसे आपने पूर्णिमा के दिन में प्रयोग किया, तो इसको जब पूरा प्रयोग आपने कर लिया, अब इसको क्या करना है, चारों कर्मों को सामने रखना है, वहीं बैठ करके उस व्यक्ति को 2 मिनट तक विजुलाइज करें, उसके बारे में सोचें, और ओम क्राम क्रीम क्रोम अमुक वसम कुरु स्वाहा, ठीक है। तो अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेकर के 251 बार इस मंत्र का आपको जाप कर लेना है, ठीक है। जब जाप करेंगे तो दिया जरूर जरूर जलाएं, सरसों के तेल का जलाएं, घी का जलाएं या काले तेल के तेल का जलाएं, नीचे आसन में बैठें, सिर पे कपड़ा रखें, ठीक है, धूप जरूर जलाएं। उसके बाद में जब पूरे अभिमंत्रित हो जाएंगे तो चारों कर्मों को लेकर के और आपको जाना है सुनसान जगह में, सुनसान जगह में जाकर के आपको क्या करना है, खड्डा खोद करके थोड़ा सा स्पेस दे दे करके, मतलब एक जगह आपने दबाया एक कर्वे को, फिर दूसरा को दूसरे, फिर तीसरे को तीसरे और चौथे को चौथे, मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में इसको चार तरफ से आपको इसको दबा देना है। और फिर जब दबा देते हैं तो बिना पीछे पलटे आपको घर वापस आ जाना है। अब काफी लोग के साथ में ऑप्शन आएगा कि हमारे पास में कोई सुनसान जगह नहीं है जहाँ हम दबा सकें, तो इसको आपने बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है, लेकिन दबाने वाले में रिजल्ट जल्दी आता है। जल में प्रवाहित करेंगे तो थोड़ा लेट रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट आएगा, 100% आएगा, ठीक है। प्रयोग जिस दिन करेंगे उस दिन नॉनवेज आप नहीं लेंगे, ब्रह्मचर्य से रहेंगे, कोई भी स्टोन पत्थर पहना हुआ उतार करके प्रयोग करेंगे, ड्रिंक अल्कोहल लेते हैं अवॉइड करेंगे, महिलाएं वृद्ध पुरुष सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं, महिलाएं अशुद्धि वाले दिन में इस प्रयोग को नहीं करेंगे, ये सावधानी आपको रखनी है। और उसके बाद में जब ये प्रयोग आप कर लेंगे तो छोटी सी सावधानी एक और आपको रखनी है कि 11 डेज तक अपनी तरफ से उस व्यक्ति को जिसको आप वशीकरण कर रहे हैं उसको आपको कॉन्टेक्ट नहीं करना है, आपको अपनी तरफ से कोई भी कॉल नहीं करनी है, मैसेज नहीं करना है, वो व्यक्ति खुद ही आपको कॉल करेगा, आपको मैसेज करेगा, मतलब उस व्यक्ति को इतनी बेचैनी हो जाएगी ये रेमेडी करने के बाद में, जब तक वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर लेगा, बात नहीं कर लेगा, उसको बेचैनी मची रहेगी, दुनिया के किसी भी कोने में होगा वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। ये प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक है, अगर आपने अमावस्या शनिवार बुधवार या फिर पूर्णिमा को इस प्रयोग को कर लिया, दूसरी कोई उपाय करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मैंने जैसा कि बताया आपको कि जिस व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं उसका पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना आवश्यक है, अगर उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी तांत्रिक क्रिया है, प्रोटेक्शन है, ब्लैक मैजिक है या वशीकरण है, नॉर्मल विधि से आप किसी का भी वशीकरण नहीं कर सकते, इसमें साबर मंत्र का ही आपको सहारा लेना पड़ेगा। साबर मंत्र जो होते हैं इसकी कोई काट नहीं है, ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली होते हैं साबर मंत्र, हमारे पास में नाथ गुरु नाथपंथ के द्वारा पूर्ण साबर मंत्र है जो कि बहुत ही अच्छा और इंस्टेंट रिजल्ट दिखाते हैं। यदि विधि मुझसे करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी, 100% आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। और आज की जो विधि आपको बताई गई है, वीडियो को एक बार देख लें, दो बार देख लें, जो सावधानियां बताई गई हैं जानकारी को अच्छे से समझ लें, उसके बाद में सिर्फ एक दिन ये रेमेडी आपको करनी है और उसके बाद में देखिए चमत्कार आपके सामने होगा, ठीक है। पूरे विश्वास के साथ में करिए, कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आ रही हो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक विशेष बात दोस्तों कि हमारे द्वारा साबर मंत्रों से कुछ विशेष पूजाएं होती हैं, हमारे पास में जो साबर मंत्र हैं नाथ गुरु नाथ पंथियों द्वारा पूर्ण साबर मंत्र प्राप्त हैं। आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग साबर मंत्र डाल रहे हैं, लेकिन दोस्तों देखिए साबर मंत्र यदि अधूरे हैं, एक शब्द भी इसमें छूट जाए तो साबर मंत्र वर्क नहीं करते हैं, पूर्ण साबर मंत्र ही वर्क करते हैं। हमारे पास में नाथ गुरु द्वारा पूर्ण साबर मंत्र हैं, यदि राहु आपके बर्थ चार्ट में अनबैलेंस है या प्रॉब्लम्स कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए अनएक्सपेक्टेड परेशानियां आएंगी, दुर्घटनाएं होंगी, घर में ग्रह कलेश रहेगा, मान हानि होगी, धन हानि होगी, चारों तरफ से आपको परेशानियां लगी रहेंगी, कोई भी काम में सफलता नहीं मिलेगी।
लेकिन राहु यदि आपके बैलेंस है तो ये समझ लीजिए कि आपको अनएक्सपेक्टेड धन, रुपया, पैसा, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो राहु को बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए हमारे द्वारा 18 से 28 दिन की श्रावण मंत्र से विशेष पूजा होती है, जिसमें 18 दिन में ही आपको अमेजिंग चेंजेस नजर आएंगे। दूसरा, शनि राहु केतु से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको चल रही है बर्थ चार्ट में, तो शनि राहु केतु को बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए 41 डेज से 41 डेज की विशेष पूजा होती है। इसके साथ में नवग्रहों को बैलेंस करने के लिए 41 डेज से 3 महीने की, यानी कि 3 महीने की विशेष पूजा शाबर मंत्रों से होती है। इसके अलावा जो लोग कर्जवान हैं, कर्ज में बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो कर्ज मुक्ति के हमारे द्वारा 3 महीने का विशेष शाबर अनुष्ठान होता है, जिसमें कि आपको गारंटी से 3 महीने में बड़े से बड़ा कर्ज आपका समाप्त हो जाता है। जो लोग रेंट पर रहते हैं, खुद का घर नहीं बना पा रहे हैं, खुद के घर के योग नहीं बन रहे हैं, खुद के घर की प्राप्ति चाहते हैं, 3 महीने में 3 महीने की विशेष शाबर अनुष्ठान है, जिसमें गारंटी से आपको खुद के घर की प्राप्ति होती है। मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं 2 महीने में खुद के घर की प्राप्ति की है। तो जिस भी पूजा की आपको नीड हो, आप व्हाट्सएप में जा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और यदि पूजा की नीड है पूजा बुकिंग करा सकते हैं। अमेजिंग रिजल्ट है सभी पूजाओं के, मेरे क्लाइंट्स के पॉजिटिव फीडबैक मेरे पास में है। ठीक है, आज की जानकारी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। जानकारी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे, जिनको लाभ मिलेगा आपको ब्लेसिंग देंगे, शेयर जरूर करें। मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली, ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ में।